17 साल बाद सुधार यात्रा पर निकले, इसका यही मतलब है कि अभी तक उन्होंने कोई सुधार नहीं किया। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ निशा बर्णवाल। नीतीश कुमार जल्द ही समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने टिप्पणी की है। उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही साथ कहा कि नीतीश कुमार 17 साल के बाद सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो लगता है कि नीतीश कुमार ने अब तक कोई सुधार नहीं किया है बिहार में, जिस वजह से अब वे जाकर समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा और वहीं बीजेपी के कार्यों की सराहना की। देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नित्यानंद राय। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने हुए हैं कितने साल हो गए, 17 साल हो गए ना। 17 साल बाद सुधार यात्रा पर निकले, इसका यही मतलब है कि अभी तक उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है, कोई सुधार नहीं किए और हताशा की यात्रा है। जब जनाधार खो बैठे हैं, उनको लग रहा है कुरहन्नी हाल और गोपालगंज की हाल और मोकामा में बड़े मत को प्राप्त जब भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको लगता है कि उनका जनाधार खिसक चुका है। जो भी यात्रा कर ले ना, जनता को विकास यात्रा में विश्वास है और विकास की गंगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है। लोकतंत्र है, किसी को यात्रा करने का अधिकार है। राहुल गांधी, देखिए जो भी विकास हुआ है ना, भले मुख्यमंत्री हो रहे हो लेकिन बीजेपी के हमारे नेताओं और मंत्रियों के अथक प्रयास से हुआ है। आप उठाकर देखिए, सड़क में विकास हुआ है तो सड़क का पैसा कहाँ से आया है? प्रधानमंत्री सड़क योजना से जब सड़कें बनी है तो अटल जी की दी हुई योजना को बड़ी मजबूती से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें बड़ा फंडिंग करके देश के साथ साथ बिहार के ही सड़कों का उन्होंने ध्यान दिया है। रेलवे लाइन कितनी बनी है, बिजली कितना बना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिजली आपूर्ति योजना से कितना बिजली आपूर्ति के स्टेशन सब स्टेशन बने हैं, कितने तार बदले गए हैं, सिंचाई किसानों को सिंचाई बिजली से मिले, बिजली से सुविधा उसकी उपलब्ध हो, इसके लिए गांव गांव किसान के खेत खेत तक पहुंचाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज बिहार सरकार का बजट देखिए, उसमें भारत सरकार का योगदान देखिए। तो यह जरूर आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा दिन तक उनके साथ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य देश विकास जनहित गरीब कल्याण के कामों में विश्वास करती है, वह उसकी नीति है। तो बिहार में आरजेडी के शासनकाल में जो तांडव हुआ, उस तांडव से बिहार जो बदनाम हो रहा था, बिहार बीमार पड़ रहा था, बिहार से पलायन हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जिस प्रकार से हम आरजेडी के शासनकाल के उस तांडव के खिलाफ जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है, परिश्रम किया है, बलिदान दिया है, जेल की यात्राएं सही है, केस मुकदमे उनपे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर सकती थी। और उस समय नीतीश कुमार जी कहां थे? कांग्रेस के तानाशाह के खिलाफ बिहार में भी जब 1990 में जब सत्ता परिवर्तन की बात आई, तो सत्ता परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका थी। और उस समय श्रीमान लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में कैलाशपति मिश्रा जी के योगदान को, भारतीय जनता पार्टी को योगदान को कौन नहीं जानता है? तो उस समय कांग्रेस के तानाशाह के खिलाफ में जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी बिहार की चाहती थी, उस समय लालू जी को नेता भारतीय जनता पार्टी मानकर बनाई। और जब लालू जी के तांडव, अराजक राज, भ्रष्टाचार से भरी इस
आरजेडी की सरकार के सारे कारनामों के खिलाफ जब परिवर्तन की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता की मोह नहीं की, सत्ता का लोभ नहीं की और नीतीश जी को सत्ता सौंपी। आप उठाकर देखिए ना कितने विधायक उसके थे, भारतीय जनता पार्टी कितने विधायक, यह बिल्कुल यह संदेश है और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए, राजहित के लिए, देशहित के लिए काम करती है। और उदाहरण है मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार बनी, कांग्रेस के खिलाफ जब यहां कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें जनसंघ का सहयोग था। तो हम हमेशा कांग्रेस की नीति के खिलाफ रहे, शुरू से रहे और जनसंघ की स्थापना इसीलिए हुई थी। लेकिन लोहिया की विचारधारा, जयप्रकाश जी की विचारधारा, जो कांग्रेस के खिलाफ की विचारधारा थी, उस विचारधारा पर राजनीति करने वाले लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता किया। इसका मतलब है कि उनकी कोई नीति नहीं है, लोहिया जी को उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने समाजवाद को धोखा दिया है, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को धोखा दिया है, बिहार और देश को धोखा दिया है। तो यह लोगों के द्वारा किए गए कारनामों और उनके इतिहास के पन्नों को उलटिए तो पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है। हम हमेशा हम कांग्रेस के विरोध में और कांग्रेस के विरोध में आज भी, और ये लोग कांग्रेस के विरोध करते थे और जब कुर्सी की बात आती थी तो कांग्रेस से समझौता कर लेते थे। उसी तरह से आज सत्ता में बरकरार रहने के लिए तुष्टिकरण की नीति को अपना कर बड़ा गर्व करते हैं कि मैं तुष्टिकरण कर रहा हूँ। तो सुना आपने नित्यानंद राय को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार 17 साल के बाद समाज सुधार यात्रा पर निकल रहे हैं क्योंकि अब तक उन्होंने बिहार में कोई सुधार का काम किया ही नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिहार में जितनी भी विकास योजनाओं को गति दी गई, जितने भी विकास कार्य हुए, वे सभी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और मोदी जी के वजह से ही हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आरजेडी के राज में जितने भी तांडव बिहार में किए गए, जितने भी लोग बिहार में आपराधिक घटनाओं की वजह से पलायन कर रहे थे, उसमें भी बीजेपी ने एक अहम योगदान निभाया है और एक बड़ा रोल निभाते हुए बिहार में सुधार लाने का काम किया है। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।